अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और हमने 9th क्लास केमिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, तो हम उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। हमने पीछे 1st चैप्टर, 2nd और 3rd के हमने दो दो पार्ट के अंदर उसको कवरअप किया है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम एक एक टॉपिक के जरिए हम कवरअप कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मेरा नाम है राणा सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें जो कि साइंसिफाई योरसेल्फ के नाम से ही पेज है। ठीक है, तो हम टॉपिक को अपने को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछला टॉपिक जो था वो आयनिक बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज जो हमें देखना है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ये किन किन एलिमेंट्स के दरमियान होती है, मतलब पीरियड के अंदर वो एलिमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर जब हमने आयनिक बॉन्डिंग को डिफाइन किया था तो हमने बताया था कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं, और वो ग्रुप 15 टू 17 जो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले होते हैं उनके साथ आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, आयनिक बॉन्डिंग बनती है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम मेटल्स कहते हैं, और ग्रुप 15 टू 17 जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं, मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करती है तो आयनिक बॉन्डिंग बनती है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इसके अंदर। तो ये आयनिक बॉन्डिंग के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था इसका। ठीक है जी, तो आज जो हमने देखना है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में देख रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग को डिफाइन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो किन एलिमेंट्स के दरमियान होती है, मतलब जिन एलिमेंट्स के दरमियान होती है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है पीरियाडिक टेबल के अंदर। ठीक है जी, तो अगर हम कहें तो ग्रुप 13 से लेके 17 तक जो एलिमेंट्स होंगे उनके आपस में जब भी रिएक्शन होंगे तो वो कौन से होंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है जी, और वो म्यूचुअल शेयरिंग होगी। वो म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होगी वो आगे चल के हम दिखाते हैं कि कैसे होगी, अभी फिलहाल के लिए आप ये जहन में रखें कि ग्रुप 13 और 17 जो होगी जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। तो जब मैंने कहा था कि 1 और 2 जो है वो क्या है, मेटल है, और 15 टू 17 कह ले या 13 टू 17 कह ले, तो ये 13 टू 17 कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, आप जब पीरियाडिक टेबल को देखोगे तो उसके अंदर पता चलेगा आपको कि 13 टू 17 नॉन मेटल मौजूद है। ठीक है जी, जब ग्रुप 1 और 2 15 टू 17 से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल जो है, 1 और 2 वाले मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, सारे नॉन मेटल है। क्लियर होगी बात, तो नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी। क्लियर हो जाएगी बात, जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कौन सी होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी, और उसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से निकलकर और दूसरे एटम के अंदर चला जाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहां पर जो है नॉन मेटल के दरमियान हो रही है और यहां पर ट्रांसफर नहीं होता बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो वो बॉन्डिंग या वो बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है जी, दैट अकर्स या दैट प्रेजेंट ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो जाएगी बात, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होती है, म्यूचुअल का मतलब होता है कि बाहमी, मतलब अगर एक एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो अगर मतलब फॉर एग्जांपल दो एटम के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, मैं कह देता हूं कि H और Cl। ठीक है जी, अब यहां पर मैं क्लोरीन की बता देता हूं कि क्लोरीन के पास जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है जी, तो 7 हम शो करवा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 और 6 7, ठीक है जी, सारे हो गए कंप्लीट। और हाइड्रोजन जो होता है उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको मैंने डिफरेंट तरीके से शो कर दिया, एक को डॉट से शो कर दिया और बाकी को क्रॉस से शो कर दिया है। ठीक है जी,
तो एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम डॉट से शो करते हैं और दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्रॉस से शो करते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन जो डॉट से हम शो करते हैं इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन यहां पर हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, बस आप इसको जहन में याद रखें कि एक एटम के जो है उनको हम क्रॉस से शो करेंगे और दूसरे एटम के जो होंगे उससे उसको जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल के उनको हम डॉट से शो करेंगे। क्लियर हो जाएगी बात, मतलब क्रॉस और डॉट से हमने शो करना है इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद अब यहां पर ये जो है दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो छह इलेक्ट्रॉन है ये तो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे, तो जब ये बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे तो बाकी जो बचेंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक हाइड्रोजन का, ये जो है बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और ये म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होगी, अब हमने जो पिछला रूल हमने ये जो पढ़ा था ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल पढ़ा था कि कोई भी एटम जो है वो रिएक्ट किस लिए करता है कि ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, मतलब आठ इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल के अंदर कंप्लीट कर ले, या दो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर ले किसी भी सूरत में, ठीक है, या तो आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले या दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। अब यहां पर अगर हम देखें तो क्लोरीन के अंदर पहले से ही सात इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक है, सात इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, लेकिन जब एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो उस केस में क्या होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, अब एक क्लोरीन का और एक हाइड्रोजन का, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये म्यूचुअल शेयर का मतलब ये है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के भी है, ठीक है, बाहमी का मतलब क्या है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के भी है और ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी है। अब इसका फायदा क्या हुआ है, ये जो बॉन्डिंग बनाई है ये जो म्यूचुअल शेयरिंग की है इसका फायदा क्या हुआ है, अगर हम यहां पर देखें तो दो इलेक्ट्रॉन ये है, दो इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन ये और दो इलेक्ट्रॉन ये, टोटल कितने हो गए क्लोरीन के, आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, मतलब जो ऑक्टेट हमने कंप्लीट करना था वो कंप्लीट हो गया, समझ में आई बात। और यहां पर दूसरा जो हाइड्रोजन जो होता है उसको ऑक्टेट नहीं होता, मैंने बताया था कि दो या तीन जो एटम्स होते हैं उनको ऑक्टेट नहीं होता, जो शुरू के एटम्स होते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वगैरह उनका ऑक्टेट नहीं होता बल्कि डुप्लेट होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो दो इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि ये म्यूचुअल शेयर है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के भी है ये हाइड्रोजन के भी है तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, इसका ऑक्टेट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी, क्योंकि इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग आके रसीद बना ही नहीं सकता, ये आठ इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करेगा। तो क्या होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के भी कंप्लीट हो गए हैं और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। और एटम जो है बॉन्डिंग बनाता क्यों है, क्यों, क्योंकि ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल, मतलब आठ या दो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के अंदर कंप्लीट कर लेता है और कंप्लीट जब करता है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी हो जाती है, नोबल गैस जैसी, ठीक है जी। जब नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो वो जो एटम है, वो जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर भी वही बात कर रहे हैं कि जब जो सोडियम है फॉर एग्जाम्पल, जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, अब यहां पर इसका पीछे जो है ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। जब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ मतलब क्या हुआ कि स्टेबल हो गया, ठीक है जी। अब क्लोरीन क्या है, सात इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से यहां पर चला गया, ठीक है जी। तो यहां पर अगर प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल इसके आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब आठ इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोराइड आयन के तो क्लोराइड आयन हो जाएगा, जब आठ इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोराइड आयन आ गया है, तो क्लोराइड आयन पर क्या आ गया है, वैलेंस शेल के अंदर आठ इलेक्ट्रॉन हो गया है, और आठ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है, ठीक है जी। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई भी एटम रिएक्ट करता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्लियर हो चुकी बात। उसके बाद अब यहां पर जब कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है तो उसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि जब एटम आपस में रिएक्ट करने के लिए करीब आते हैं तो एनर्जीज वगैरह का कुछ रिलेशन होता है आपस में, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में हमने सारा कॉन्सेप्ट देख लिया, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कोवलेंट बॉन्डिंग का ही, वो कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा है कि एनर्जीज का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है जब एटम्स करीब आते हैं, ठीक है जी। तो वो हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो एटम है हमारे पास, कौन कौन से, एक ये है
ठीक है जी। और दूसरा ये एटम है, अब यहां पर भी जो वैलेंस शेल के अंदर क्या घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, नेगेटिव चार्जेस। और यहां पर भी मैं थोड़ा दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, एक दो और तीन, ठीक है जी। तो अट्रैक्शन को शो करना है मैंने सारी चीजों का एनर्जी को, तो यहां पर कम ये इलेक्ट्रॉन्स को बनाते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास दो एटम जब करीब आते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए, म्यूचुअल शेयरिंग के लिए, तो होता क्या है, ये हमने देखना है कि एनर्जीज कैसे डिफरेंट होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है जी। तो जब ये करीब आ रहे हैं तो हमारे पास दो फोर्सेस होंगी यहां पर, ठीक है जी। ए होगी रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, और दूसरी फोर्स जो होगी वो कौन सी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब यहां पर देखें तो रिपल्सिव फोर्स का आपको मतलब समझ में आता होगा, पहले ही आपने पढ़ रखा होगा कि रिपल्सिव फोर्स क्या होती है, वो फोर्स जो एटम्स को या किसी भी चीज को अपार्ट करती है, मतलब अलहदा करती है, दूर भगाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिपल्सिव फोर्स कहते हैं। और इसको दूसरे उर्दू के वर्ड्स के अंदर क्या कहते हैं, दफा की फोर्स कहते हैं, ठीक है जी। तो वो फोर्स जो किसी भी चीज को दूर हटाती है, परे हटाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिपल्सिव फोर्स। और वो फोर्स जो किसी भी चीज को करीब लेके आती है, दो चीजों को करीब लेके आती है, दो एटम्स को करीब लेके आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। क्लियर हो जी की बात। तो वो फोर्स जो कि दूर लेके जाएगी उसे हम रिपल्सिव फोर्स कहेंगे, और वो फोर्स जो कि करीब लेके आएगी उसे हम क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे, ठीक है जी। तो रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स का यहां पर क्या रिलेशन है, यहां पर देख लेते हैं कि अगर हम देखें तो ये भी न्यूक्लियस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और यहां पर भी क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है जी। तो रिपेल करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि ये दूर जाने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये बात भी जहन में रखनी है आपने कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर अगर हम देखें तो सेम चार्जेस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का जो चार्ज है पॉजिटिव है, और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, परे धकेलेंगे, ठीक है जी। और यहां पर अगर हम देखें तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को परे धकेलेंगे, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। और रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, वो हम डिस्कस नहीं करते, अब यहां पर सिर्फ फोर्सेस का ही डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाती है, ठीक है जी, ज्यादा होने की वजह से एटम जो है वो क्या हो जाएंगे, दूर हो सकते हैं। और दूसरी फोर्स यहां पर एक और लग रही है, कैसे लग रही है, अब यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है दूसरे एटम के, ये अटैक हो सकते हैं दूसरे के न्यूक्लियस के साथ, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये अटैक हो सकते हैं दूसरे के न्यूक्लियस के साथ, ठीक है जी। तो सेम टाइप पर यहां पर अट्रैक्शन भी हो रही है और रिपल्शन भी हो रही है, मतलब दोनों फोर्सेस यहां पर अप्लाई हो रही है, रिपल्सिव फोर्स भी अप्लाई हो रही है और अट्रैक्टिव फोर्स भी अप्लाई हो रही है। तो आपने देखना है कि वो डिस्टेंस, मतलब एक कंप्रोमाइज डिस्टेंस होगा जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी। जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी तो क्या होगा कि एटम्स करीब आ जाएंगे और वहां पर क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा यहां पर, ठीक है जी। तो बॉन्ड बन जाएगा तो जो एटम्स है वो क्या हो जाएंगे, होल्ड टुगेदर, मतलब इकट्ठे जुड़ जाएंगे, ठीक है जी, ना वो आगे जाएंगे ना वो पीछे आएंगे, ठीक है जी। मतलब आगे जाएंगे तब भी रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से एटम्स को अलग होना पड़ेगा, और जब दूर जाएंगे तो वैसे ही रिपल्शन क्या हो जाएगी, सॉरी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहां पर ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि दो एटम्स जब करीब आते हैं तो एक कंप्रोमाइज डिस्टेंस होता है जहां पर वो बॉन्ड बनता है, ठीक है जी, और उसको कंप्रोमाइज बॉन्ड लेंथ कहते हैं। यहां पर आपके जो नाइन्थ का लेवल है यहां पर आपको कंप्रोमाइज्ड बॉन्ड लेंथ की डिफाइन नहीं करना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि कंप्रोमाइज्ड बॉन्ड लेंथ कौन सी होती है, ठीक है जी। मतलब उससे अगर कम डिस्टेंस करेंगे तब भी रिपल्शन बढ़ जाएगी, और जब ज्यादा करेंगे मतलब डिस्टेंस तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, डेफिनेटली वो एटम जो है वो होल्ड टुगेदर नहीं होंगे। होल्ड टुगेदर किस वजह से होते हैं, अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है जी। अट्रैक्शन ही कम हो जाएगी, जब दूर जाएंगे तो क्या होगा कि केमिकल बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा।
क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास सारा कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट जो हमने टॉपिक है अगली क्लास के अंदर डिस्कस करना है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। तो वीडियो को मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है जी। और अगर आपने कोई फरमाइशी टॉपिक तैयार करवाना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।